हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, यूएई गवर्नमेंट ने ये 13 सामान पर अभी भी दोस्तों बैन लगाया है। अगर आप इंडिया से आ रहे हो दुबई में, तो ये 13 सामान भूल कर भी आप नहीं लाना, नहीं तो ह्यूज अमाउंट फाइन आ सकता है या तो फिर आपको जेल भी हो सकता है। प्रॉपर इस पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि ये सब अपडेट मैं अपने वर्कर भाई के लिए लेकर आते रहता हूँ। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है और हम लोग को फाइन भी देना पड़ सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों देखिए, पहला जो प्रोडक्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सब चीज़ छोटी मोटी ख्याल नहीं करते हैं और उनको एयरपोर्ट पे आने के बाद बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला जो ये है दोस्तों, वो है आपको इसराइली सामान, कोई भी इसराइली सामान जिस पे इसराइल का लोगो यूज किया हो, मुहर मारा हो, वो सामान भूलकर भी यूएई में नहीं लाना। नो डाउट यूएई और इसराइल का भी फ्रेंडशिप ज़्यादा चालू है, मतलब और भी अरब कंट्री के मुकाबले, बट यूएई गवर्नमेंट ने ये चीज़ बैन किया है। मतलब आप इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो, तो इसराइली सामान आप भूल कर भी लेकर नहीं आना। और भी कोई भी दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो गल्फ न्यूज़ में भी आया, खलीफ टाइम्स में भी आया, वो भी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो, ये प्रोडक्ट का नाम देख सकते हो, ठीक है? पहला तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों है वो नेट जाली, ठीक है? आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मच्छरदानी तक भी लेके आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यह सीधा क्लियर कर दिया है। उन लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसा नहीं आने के बाद यहाँ पे मछली वगैरह बहुत सारा वर्कर पकड़ते हैं, तो आप नेट जाली भूल कर, ये छोटी मोटी सामान है बट दोस्तों नहीं लाना। नेट जाली आप इंडिया से आ रहे हो तो यहाँ यूएई में नहीं लाना, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा दोस्तों, पहले से भी ये सब बैन था, जैसे अफरीन है, गांजा है, तंबाकू है, सिगरेट है, ये सब तो पहले से ही बैन था, ठीक है? बट इतना कड़क ये नहीं था, मतलब वो चेकिंग नहीं था, बट ये सब 4-5 आइटम बैन है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो जो हम लोग घर से आने के टाइम लेकर आते ही हैं, वो है दोस्तों अचार हो गया। दूसरा होता है खाने पीने का सामान, जैसे कि घर में जो बनता है वो सामान, तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया जिसमें ज़्यादा ऑयल का यूज हुआ हो, तेल का यूज हुआ हो, वो भूल कर भी आप नहीं लाना। इसलिए क्योंकि मान लीजिए लगेज में डाल दिया जाए या फिर हैंड बैग में डाल दिया जाए, तो दूसरे के सामान पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसलिए आप अगर इंडिया से आ रहे हो तो ऑयली सामान नहीं लेके आना तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा एक और प्रोडक्ट है दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि कोई ऐसा सामान जो इस्लामी तौर तरीक़ों को मतलब अप्रूवल नहीं देता हो या डिस्टर्ब ना करता हो, ठीक है? तो वो सामान आप भूल कर भी नहीं लाना है, मतलब आप इस्लाम के खिलाफ कोई चित्र बनाकर, या फिर क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इस्लामी कंट्री है, ये मुस्लिम कंट्री है, तो आप ऐसे सामान भूल कर भी नहीं लाना, नहीं तो गवर्नमेंट इस पर बड़ा एक्शन ले सकती है। और भी 3-4 आइटम है दोस्तों, मैं बोला जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा इसका, खलीफ टाइम्स का या गल्फ न्यूज़ का, आप जाकर वहाँ पर भी अच्छे से पढ़ सकते हो या फिर पर भी सर्च करके आप देख सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट का दो पेपर इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, तो ये दो पेपर में ही आता है। तो मैं सोचा ये मोटी मोटी जो भी जानकारी थी दोस्तों, मैं अपने वर्कर भाई के साथ शेयर कर दूं, ताकि ये सब प्रॉब्लम में आप ना फंसो। और कोई भी कन्फ्यूजन है दोस्तों, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।